राम कथा सुंदर करतारी संशय विघ्न सावन हारी। जी हाँ, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला विराजमान होंगे तो समूचे देश में राममय लहर होगी। खास बात यह है कि मेरठ में भी माहौल राममय होने लगा है, राम की भक्ति इस समय सबाब पर है। खास बात यह है कि रामचरितमानस की डिमांड, वो चाहे रामचरितमानस अवधि में हो या तुलसीदास जी की हो या वाल्मीकि रामायण हो, इनकी डिमांड खास तौर पर बढ़ रही है। और हमारे साथ सचिन है। सचिन जी, ये बताइए कि रामचरितमानस की डिमांड जो है, क्या असर है इन दिनों? और दिनों के मुकाबले लगभग मांग डबल है, और हमें भी आगे आगे लगता है कि जैसे 22 जनवरी आते आते और ज्यादा डिमांड होने वाली, तो उसी हिसाब से हमने स्टॉक अपना मेंटेन कर लिया है। और दिनों के मुकाबले हमने 3 गुना 4 गुना स्टॉक अपने पास कर लिया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब लोग आते हैं आपके पास तो लोग क्या मांग करते हैं, कि वाल्मीकि रामायण को प्रेफर करें या रामचरितमानस को प्रेफर करें? क्योंकि वाल्मीकि राम जी के समकालीन रहे, तो उन्होंने जो देखा सो लिखा है, और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को लेके पूरा केंद्रित करके लिखा हुआ है, तो क्या डिमांड खास तौर पर रहती है? डिमांड तो ज्यादा तुलसीदास जी की रामायण की होती है। उसका कारण क्या है कि सीधा सा, कि एक तो अखंड रामायण पाठ जैसे करते हैं, तो वो तुलसीदास जी की रामायण से सरल भाषा में और समझने के लिए आसान है। अवधि भाषा लोगों के पाठ करने में भी आसान है। फ्लो में पकड़ पाठ करना चाहें तो तुलसीदास जी की रामायण का ही हो सकता है, तो इसलिए मांग तो तुलसीदास जी रामायण की ज्यादा है। वाल्मीकि रामायण उनकी बनस्पत डिमांड कम है, अगर वो 5 बिकते हैं तो वो 50 बिकते हैं। पिछले साल की तुलना में, अगर बीते 5 सालों की तुलना की बात करें, तो ये जो एरा आया, एक नया दौर आया है, तो इसमें रामचरितमानस की डिमांड है और कुछ खास राम दरबार ऐसा कुछ नहीं? राम दरबार की भी डिमांड है इस समय में। अभी अगर फिलहाल 5 साल की बात करें तो धर्म की तरफ झुकाव जो है लोगों का ज्यादा है। उसका कारण भी सीधा सा है कि युवा वर्ग जो है जब से धर्म से जुड़ने लगा है, पहले क्या है कि युवा वर्ग धर्म के आसपास नहीं आते थे कि भाई वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाना, मगर उनकी भी समझ में आ गया कि पढ़ाई के साथ साथ धर्म भी जरूरी है, तो इसीलिए जब से युवा वर्ग धर्म से जुड़ा है तो धर्म का झुकाव। आपको भी अच्छा लगता होगा कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं, जो बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमें रामचरितमानस चाहिए, हमें पढ़ना है, तो आप भी उनको कुछ प्रेरणा देते होंगे? मैं तो बल्कि अगर कुछ ऐसे आते हैं कि, तो मैं तो उनको बल्कि शाबाशी देता हूँ कि जिनको जो है इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए, और जो है उस तरह उनके परिवार को भी मोटिवेट करता हूँ कि अगर आप, वो कहते हैं कि अरे तू क्या करेगा रामायण पढ़ के बच्चे को, तो मैं उनको मोटिवेशन देता हूँ कि नहीं नहीं अगर धर्म की तरफ जा रहा है तो बढ़ाइए, इससे हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। मुनकज, ये बताइए कि आप रामचरितमानस लेने आई थी, क्या कारण है, क्यों लेना चाह रही हैं? नहीं, क्योंकि होनी चाहिए, हम सनातनी हैं, हमारे घर में होनी चाहिए रामायण, तो इसीलिए हम लेने आए थे। तो रामचरितमानस का पाठ करते हैं आप पहले? हाँ, मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। सुंदरकांड भी एक हिस्सा है, 5वां अध्याय है, बट रामायण भी होनी चाहिए। हमारी दादी लोग पढ़ती थी तो तब हम लोगों ने बचपन में उन लोगों को देखा था, फिर एक टाइम पीरियड में आने के बाद सब चीज खत्म हो गई, मतलब हम लोग भी नहीं रहे उस चीज के टच में। एक वैक्यूम आ गया था बीच में, थोड़ा सा एक वैक्यूम था बीच में, कि मतलब उसमें लोग बाग धर्म के प्रति थोड़ा हट गए थे, और यही इंग्लिश और अंग्रेज बनना है, अंग्रेजों को कॉपी करना है, विदेशों में बच्चे जा रहे हैं, बट वो चीजें अब सब खत्म हो रही है, क्योंकि अब वहाँ जो विदेश में हमारे बच्चे भी है ना, वो भी फॉलो कर रहे हैं अब इस चीज को, कि भाई राम जी के वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को ये आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इस चीज का। हम भी चाहते हैं कि हम इस चीज को करें घर में, तो हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा।